सुनो सुनो, तुम खबरी भाभी को जानती हो? नहीं। बकरी ना बनो, खबरी भाभी की सुनो। पंजाब में अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि दिल्ली के महरौली से विधायक नरेश यादव के इशारे पर ही पंजाब में दंगा कराकर उसका सियासी फायदा लेने की साजिश रची गई। दरअसल पिछले शुक्रवार को पंजाब के मरेल कोटरा में धार्मिक किताब से बेहुदगी के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले के मुख्य आरोपी विजय ने पंजाब पुलिस को रिमांड के दौरान दिए अपने बयान में यह कबूला है कि उसने विधायक नरेश यादव के कहने पर ही यह साजिश रची थी। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक साजिश है। इस बीच संगरूर के SSP प्रीतपाल सिंह ने IBN 7 से बातचीत में कहा कि वो नरेश यादव के खिलाफ वारंट लेकर उनसे पूछताछ करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल हो या फिर कोई और, सभी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा है कि ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है। संजय के मुताबिक आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इधर पंजाब के आम आदमी पार्टी नेताओं ने भी आरोपों को गलत बताया है। IBN 7 से बात करते हुए पार्टी नेता अहबाब ग्रेवाल ने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिनों के पंजाब दौरे पर रहेंगे। वो राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाम करीब 4 बजे अमृतसर पहुंचेंगे। यहां वो स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद दुर्गियाना मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। केजरीवाल शाम 6 बजे अमृतसर में एक रैली में युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके लिए आयोजित कार्यक्रम में 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बाबा बंदा सिंह बहादुर के 300वें शहीदी दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। तालकोटवा स्टेडियम में हो रहे इस कार्यक्रम में मौके पर PM बाबा बंदा सिंह के एक किताब का विमोचन भी करेंगे। इस समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली में बीती रात 2 बड़ी इफ्तार पार्टी हुई, एक संसद भवन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की और दूसरी पुरानी दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं की। विवादों में घिरे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इफ्तार पार्टी में RSS नेता इंद्रेश कुमार समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस पार्टी में 3 देशों के राजदूत भी पहुंचे, तो अलीगढ़ और जामिया यूनिवर्सिटी के VC ने भी शिरकत की। इफ्तार पार्टी के लिए पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को दिया न्योता वापस लेने पर RSS नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो दूसरों का बुरा करें। बीजेपी नेता विनय कटियार ने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के हटाने की मांग की है। कटियार ने आरोप लगाया कि बासित भारत के खिलाफ हो रही आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चिट्ठी भी लिखेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनीति गर्माती जा रही है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा कि सरकार को परिवार नियोजन के लिए चीन की तरह सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कोई भी 2-3 से ज्यादा बच्चे पैदा ना कर पाए। तमिलनाडु के CM जयललिता ने चेन्नई में इफ्तार पार्टी दी, इसमें कई लोगों ने शिरकत की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वाराणसी और जौनपुर में रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने SP और BSP पर निशाना साधा। शाह ने SP में परिवारवाद तो BSP में तानाशाही की बात कही। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी भांजी। इससे पहले शाह ने वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी किए। दिल्ली में 400 करोड़ के टैंकर घोटाले को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। विजय गोयल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने CM केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने NDMC के अधिकारी MM खान और NIA अधिकारी तंजील अहमद के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को खत लिखा है। खत में सिसोदिया ने दिल्ली के छात्रों को वरीयता देने की मांग की। उत्तराखंड में भारी बारिश कहर बरपा रही है। अगले 36 घंटे देवभूमि में भारी है। मौसम विभाग और राज्य सरकार ने लोगों को खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए। राज्य में भारी बारिश के चलते अब तक 37 लोगों की मौत की खबर है। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। नंदप्रयाग में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए हैं। फिलहाल रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है। राहत और बचाव की टीमों को मौके पर रवाना कर दिया गया, लेकिन रास्ते बंद होने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते पिथौरागढ़ और चमोली में चल रहे राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच 4 धाम यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। उत्तरकाशी के इलाके में हुई भारी बारिश से गंगोत्री हाईवे बह गया, जिससे सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जबकि राज्य सरकार अलकनंदा भी उफान पर है।
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते देहरादून की नून नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके चलते एक महिला नदी में फंस गई। काफी मशक्कत के बाद महिला को नदी से बाहर निकाला जा सका। देहरादून की सौंग नदी में भी एक युवक की जान बर्बाद आई। युवक जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी में फंस गया। देहरादून के कालसी तहसील के नागठाट गांव में बादल फटा है। बताया जा रहा है कि इससे गांव को काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है। देहरादून के चक्राता में भी काफी तबाही हुई है। यहां के मिसासा गांव में बादल फटने से 5 घर जमीन दोस्त हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि डर से सहमे लोगों ने गांव को भी खाली कर दिया। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड में आई इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारी बारिश की वजह से मुंबई भी बेहाल है। पिछले 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से घरों के अंदर पानी घुस गया है। पालघर जिले के वसई और विरार में कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। मुंबई में बारिश की वजह से जगह जगह जाम लग गया। परेल, हिंद माता, लोअर परेल, मानखुद, सायन, खार, मिलन सबवे समेत कई जगहों पर लंबा जाम लग गया, जबकि दादर में एक टैक्सी पर पेड़ गिरने से काफी ट्रैफिक जाम लगा। गुजरात के वलसाड में कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर 30 लोगों की जान बचाई। गुजरात के वलसाड में कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर 10 लोगों की जान बचा ली। ये लोग दमन गंगा नदी में फंस गए थे, जिसके बाद कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से अभियान छेड़ दिया। गुजरात के अमरेली में बारिश ने कहर बरपाया है। यहां पर रास्ते बंद कर दिए गए और पानी घुसा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में भी मानसून पहुंच चुका है। दिल्ली के साथ साथ उत्तरी हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया। उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में अगले 2 दिन अच्छी बारिश होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। वहीं धान के किसान इस बारिश से नाखुश हैं। उनका कहना है कि बारिश धान की रोपाई के लिए ठीक नहीं है। बांग्लादेश के ढाका में शुक्रवार को हुए हमले में से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में रेस्टोरेंट के अंदर तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि जब लोग बंधक बनाए गए तो ये कैसा नजारा वहां पर था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक आतंकी रेस्टोरेंट के एक दरवाजे के पास खड़ा है और हाथ में गन लिए हुए है, साथ ही पीठ पर बैग लिए हुए है। ये तस्वीरें हमले के दौरान की। दूसरे वीडियो में आर्मी के रेस्टोरेंट के अंदर की गई कार्रवाई को दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों वीडियो रेस्टोरेंट के बगल वाली इमारत से एक मोबाइल से लिए गए। बता दें कि ढाका के हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले डिप्लोमेटिक एरिया में आतंकियों ने हमला किया था और कई लोगों को बंधक बना दिया था। हालांकि फिर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 6 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सुरक्षा बलों ने 13 बंधकों को सुरक्षित निकाल लिया। ढाका आतंकी हमले के बाद बांग्लादेश में 2 दिनों का शोक रखा गया है। पीएम शेख हसीना ने कहा है कि रमजान में आतंक फैलाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। ढाका के आतंकी हमले में मारी गई भारतीय लड़की तारिशी जैन के परिजन ढाका रवाना हो गए हैं। ये तारिशी का शव लाने बांग्लादेश पहुंचे हैं। तारिशी यूपी के फिरोजाबाद की रहने वाली थी। तारिशी अपने पिता से मिलने के लिए ढाका गई थी। तारिशी की मौत की खबर सुनकर उसके घर में मातम पसरा हुआ है। तारिशी के माता पिता ढाका में ही रहते हैं और गारमेंट का बिजनेस करते हैं। परिजनों के अनुसार तारिशी को शनिवार को दिल्ली आना था। इस बीच तारिशी की मौत पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी दुख जताया, साथ ही कहा कि तारिशी का शव सोमवार को उसके घर फिरोजाबाद पहुंचेगा। तारिशी की मौत के बाद कई लोग उनके फिरोजाबाद में घर पहुंचे। वहीं इस बीच प्रशासन की एक टीम भी परिवार वालों से मिलने के लिए वहां पहुंची और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ढाका हमले की पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी ने भी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये जो भी हो रहा है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आतंकी संगठन ISIS ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट सहित लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर 4 जुलाई को हमले की धमकी दी है। धमकी के बाद सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर के त्राल सेक्टर में आतंकी हमले में एक CRPF जवान घायल हो गया। आतंकी ने CRPF कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया। हालांकि ग्रेनेड जमीन पर फट गया, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। बता दें कि 24 घंटे में दक्षिण कश्मीर में तीसरा यह आतंकी हमला था। गुजरात के कच्छ में सरहद के पास BSF ने 2 पाकिस्तानी बोट पकड़ी है, जबकि बोट में सवार लोग BSF के जवानों को देखकर पाकिस्तान की ओर भाग गए। इन बोट के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। फिलहाल BSF इस बात की पड़ताल करने में जुटी हुई है कि बोट में जो सवार लोग थे वो मछुआरे थे या कोई और थे। MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से गिरफ्तार 5 IS संदिग्धों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा कि संदिग्ध युवकों के परिवार के मुताबिक युवक बेगुनाह हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। इस दौरान ओवैसी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया अपना रही है केंद्र सरकार। उधर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जिस तरह BJP बम फोड़ने वालों को बचाने में लगी है, उसी तरह ओवैसी भी उन लड़कों को बचाने में लगे हैं जिन्हें NIA ने पकड़ा है। ओवैसी के फैसले पर BJP सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाज और राष्ट्र विरोधी काम करने वालों का समर्थन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो।
जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिख रहा है। वहीं इस बीच सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी बाबा बर्फानी के दर्शन किए। राजस्थान के जयपुर में बीएमडब्ल्यू कांड में विधायक नंदलाल महरिया के आरोपी बेटे सिद्धार्थ महरिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच हादसे से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आरोपी सिद्धार्थ महरिया हादसे के वक्त शराब के नशे में था। दरअसल जयपुर में फतेहपुर के विधायक नंदकिशोर महरिया के बेटे ने तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार से तीन लोगों को कुचल दिया था। विधायक के बेटे सिद्धार्थ महरिया ने एक ऑटो वाले को भी टक्कर मारी जिससे उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई। ऑटो टक्कर मारने के बाद कार ने एक पीसीआर वैन में भी टक्कर मारी जिसमें सवार चार पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने सिद्धार्थ को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इधर इस हादसे में जान गंवाने वाले जेठालाल और विष्णु लेखानी के परिजन शोक में हैं। इस हादसे के बाद से दोनों परिवारों में मातम पसरा है। उधर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों में काफी गुस्सा भी है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस विधायक के आरोपी बेटे सिद्धार्थ को बचाने की कोशिश कर रही है। उधर बेटे की गाड़ी से हुए हादसे पर विधायक नंदकिशोर महरिया ने इसे सामान्य एक्सीडेंट बताया। नंदकिशोर ने दावा किया कि सिद्धार्थ नशे में नहीं था और पुलिस उसे फंसा रही है। गुजरात के भावनगर में एक तेंदुए को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। दरअसल गांव की झाड़ियों में जैसे ही तेंदुए के छिपे होने की खबर मिली, गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी। लेकिन तभी वन विभाग के कर्मचारियों के सामने ही कुछ ग्रामीणों ने तेंदुए को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुंबई के चेंबूर में एक फैक्ट्री का बॉयलर फटने से तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में पांच लोग घायल भी हुए। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। पर्यटन विभाग के मुताबिक यहां एक साल में 1,26,00,000 लोगों ने दर्शन किए। वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण मंदिर के चढ़ावे में भी काफी इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक छात्र को महज फीस के ना देने के चक्कर में धूप में खड़े किए जाने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर जिले के शिक्षा अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर परिजनों और छात्र के बयान लिया और कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश के इंदौर में दो पुलिसकर्मियों ने एक घर में घुसकर एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गाड़ी चलाते वक्त इन पुलिस वालों को साइड नहीं दी जिससे वो खफा हो गए थे। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक महिला की जान बाल बाल बच गई। दरअसल जब महिला ट्रेन पर चढ़ रही थी तभी उसका पैर फिसल गया, लेकिन फिर वहां खड़े आरपीएफ जवान ने बहादुरी दिखाते हुए महिला को प्लेटफॉर्म और ट्रेन के गैप में गिरने से बचा लिया। सेंट फ्रांसिस्को में पुलिस ने दो बंदूकधारियों की पर्यटकों पर हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। पर्यटकों पर बढ़ते हमले के मद्देनजर सुरक्षा वहां बढ़ा दी गई है। चीन में एक शख्स ने कार को जलने से बचाने के लिए खुद की जान बाजी पर लगा दी। कार को बचाने के लिए वो आग की लपटों के अंदर घुस गया। दिल्ली में रिटायर्ड आईएएस उमेश सहगल पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। हौसखास पुलिस स्टेशन में 52 साल की महिला ने मामला दर्ज कराया है कि सहगल ने उससे छेड़छाड़ और बदतमीजी की। महिला ने दिल्ली आयोग से भी शिकायत की है। वहीं सहगल ने आरोपों को गलत बताया है। बैंकॉक के होटल मैनेजमेंट के 22 वर्षीय भारतीय छात्र सोमिल के संदिग्ध पर हालत में मौत का मामला सामने आया। राजस्थान के भिवाड़ी का रहने वाला सोमिल पिछले 9 महीने से बैंकॉक में एक होटल से मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। परिजन और दोस्त इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी मणिभूषण मल्होत्रा की पिटाई का मामला सामने आया है। मामला शालीमार बाग इलाके का है जहां कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। तेलंगाना में एक शख्स पर लड़की की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक लड़की ने उससे दोस्ती करने से इनकार किया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक बार फिर बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सेल्फी के चक्कर में एक युवक फिर दो युवकों की जान पर बनाई। बताया जा रहा है कि 6 दोस्तों का एक ग्रुप नदी के पास पिकनिक मनाने गया था, जहां नहाने के दौरान ये सभी 6 लड़के सेल्फी लेने में इतने मग्न हो गए कि नदी की गहराई भी भाप नहीं पाए। इसी दौरान गहराई में एक युवक का पैर फिसला और उसकी चप्पल बहाव में बहने लगी, जिसे पकड़ने के चक्कर में दो युवक बहाव के साथ बह गए। वहीं नदी में नहा रहे बाकी 4 युवक बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकल पाए। राजस्थान के जयपुर में एक नाबालिग पत्नी ने लैपटॉप के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी। दरअसल लैपटॉप पत्नी को 8वीं कक्षा में टॉप करने पर राज्य सरकार की ओर से दिया गया था और अक्सर उसका पति और उसके बीच लैपटॉप को लेकर तकरार होती रहती थी। इसी लैपटॉप विवाद में उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर लड़की ने अपने पति के सिर पर मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लड़की को बाल सुधार गृह भेज दिया है।
यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी के पूर्व विधायक मुनीश गौर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। हमले में पूर्व विधायक गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्व विधायक के मुताबिक हमलावर दो बाइक पर आए थे और उन्होंने उन पर 5 गोलियां बरसाई। गाजियाबाद पुलिस ने राजनगर इलाके से लापता बिल्डर की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बिल्डर की हत्या के आरोप में उसी के बेटे और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। वहीं बिल्डर की पत्नी फरार बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक यह हत्या जायदाद के लालच में की गई। इसके बाद लाश को रातों रात ऋषिकेश ले जाकर खाई में फेंक दिया गया। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा ट्रक और कार में टक्कर से हुआ। ट्रक कार के ऊपर गिर गया जिससे कार में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के डूंगरपुर में एक बहन ने अपने भाई की चिता में कूदकर जान दे दी। दरअसल भाई की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी जिसका अंतिम संस्कार करके परिजन घर लौट रहे थे। तभी बहन श्मशान घाट पहुंची और भाई की चिता में कूद गई। इलाहाबाद के कोहना गांव में दीवार गिरने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं प्रशासन ने मृतक मजदूरों की शिनाख्त कर ली है। हादसे में मरने वाले 5 मजदूर इलाहाबाद के ही सोराव गांव के रहने वाले हैं। प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद इनके शव परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं मजदूरों के परिजनों को तत्काल 10,000 आर्थिक मदद दी गई है। साथ ही प्रशासन ने और मदद की भी बात कही है। सैफ अली खान ने करीना कपूर के मां बनने की अफवाहों पर पूर्णविराम लगाते हुए करीना के गर्भवती होने की पुष्टि कर दी है। सैफ के मुताबिक करीना दिसंबर में बच्चे को जन्म देंगी। दीपिका पादुकोण ने अपना हॉलीवुड अनुभव शेयर किया। दीपिका ने बताया कि उन्हें वहां अपने कपड़े खुद धोने पड़ते थे। सलमान खान के बढ़ते विवादों को देखते हुए उन्हें फिल्म सुल्तान के प्रमोशन से दूर रखने का फैसला किया गया है। सुल्तान की टीम सलमान को मीडिया से दूर रख रही है। सलमान सिर्फ टीवी चैनलों के शो पर ही सुल्तान को प्रमोट करेंगे। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने बेंगलुरु में योगा किया। बीसीसीआई ने टीम के खिलाड़ियों का योगा करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों अपने घर रांची में आराम फरमा रहे हैं। फुर्सत के इन पलों में धोनी हर रोज रांची की सड़कों पर बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट ने रियो ओलंपिक के क्वालिफायर राउंड से नाम वापस ले लिया। बोल्ट मांसपेशियों में एक हिजाब की वजह से फिलहाल इस हफ्ते होने वाले ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर मेसी की वापसी के लिए कोलकाता में उनके फैंस ने यज्ञ किया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कोपा कप में चिली के खिलाफ पेनल्टी से गोल न कर पाने से निराश मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। यूरो कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में जर्मनी ने इटली को शूटआउट में हरा दिया। जर्मनी मैच में 6-5 से जीत दर्ज की। टाइम आउट होने तक दोनों टीमें 1-1 से बराबर थीं, लेकिन शूटआउट दौर में जर्मनी ने 5 बार गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया जबकि इटली 4 बार ही पहुंचा।